Ladies and gentlemen, welcome to the Best Kahani Baz Award Show. तो चलिए आज हम ऐसे सुपरस्टार कहानी बाजों को दिखाएंगे जिन्होंने हमें हर बार एंटरटेन किया है अपनी जहालत भरी तकरीरों से, और देखिए कौन होगा वो महान कहानी बाज जो आज अवार्ड जीतेगा। So sir, with your permission, let's go on to the nominations. The first one is पीर अजमल कादरी फ्रॉम गॉस पार्क ने बनी इसराइल की औरत को जिंदा किया। कुछ अल्लाह के हुक्म के साथ एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई। खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी, कहने लगी बाबे तो शाही कोई नहीं। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, is मुफ्ती हनीफ कुरेशी फ्रॉम चील ने किया गॉस पार्क को परेशान। माशाल्लाह, पता नहीं क्या होगा। आपने ऊपर देखा, ऊपर देख के फरमाया ओ हवा इस चील के सर को पकड़ ले। इतना कहना था कि चील का सर कटा, चील मुर्दा होकर नीचे आई। खत्म। द नेक्स्ट नॉमिनेशन इन दिस कैटेगरी इज डॉक्टर ताहिरुल कादरी फ्रॉम एक बुजुर्ग ने अपने टांगे जलाकर मेहमान के लिए खाना पकाया। और मेहमान आ गए तो खाने के लिए फरमाया, उसने हजरत मौलाना रूम से नहीं कहा कि हुजूर लकड़ियां खत्म हो गई हैं तो आप जलाने का इंतजाम नहीं, ये नहीं कहा। आप समझ रहे हैं ना बच्चे? समझ रहे हैं ना ये वो किया उन्होंने। तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं है और खाना नहीं पक सकता। ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांगों पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी। बुजुर्ग और टांगों पर तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। देखा सर, ये होता है दिलवाला। द नेक्स्ट नॉमिनेशन इन दिस कैटेगरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ आई लव दिस वन, अमीनुल कादरी फ्रॉम एक यहूदी आशिक का पेशाब देखकर मुसलमान हुआ। पेशाब देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि डांस का जलवा दिखाने आ रहे हैं बरेलीवुड के दबंग अहमद नक्शबंदी साहब। उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैचे लड़के वे ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर। नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज ओ डॉक्टर अशरफ जलाली फ्रॉम गॉस पार्क के उड़ने वाले जूते। जब आपने नारा बुलंद किया इसके साथ ही एक खड़ाऊ को हवा में फेंका, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी खड़ाऊ को भी हवा में फेंक दिया। है क्यों? तो वो जो फिजा में मिसाइल फेंक दिया था, यानी बगदाद शरीफ से नारा बुलंद करके उनके पुकारने पर जो ये नजराना देने आए थे, हजरत गौसे पाक ने हवा में वो फेंके, एक खड़ाऊ एक डाकू को लगा, दूसरा दूसरे को लगा, दोनों मर गए। फिर 23 दिन बाद बगदाद शरीफ पहुंचे और नजराना हजरत गौसे की खिदमत में हाजिर कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? The next nomination in this category, ladies and gentlemen, is अहमद नक्शबंदी from गौस पाक ने कब्र में किया फरिश्तों को परेशान। फरिश्ते पूछे मन रब्बू का, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। फरिश्ते नहीं, परेशान वाले एक लाई है। The next nomination in this category is मुफ्ती समर अब्बास फ्रॉम गॉस पार्क ने पैदा होते ही रखा रोजा। उलमा ने लिखा है कि जब आप जलवा करोगे ना तो आते ही अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा उनकी भी ऐसी छूट जाए। तो यार क्या कह रहे हो? जब सहरी का वक्त खत्म हुआ ना तो अपनी वालदा का दूध पीना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। सारा दिन आप इबादत के वक्त, इबादत के वक्त उसी रात, मतलब अभी चंद घंटे गुजरे हुए, यकीनन आपने गोया के रोजा रख लिया तो आपने घर वालों को खुशखबरी सुनाई। आपकी वालिदा ने फरमाया कि ये मादरजात वली और रोजे रखता है। अल्लाह ये धारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर के बच्चे। और अब ये शो पहुंच चुका है बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर। बेस्ट कहानीबाज अवार्ड अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बरेलीवुड से दो बड़े बुजुर्ग।
द बेस्ट कहानीबाज अवार्ड गोज टू। मौलाना अमीनुल कादरी। ए कादरी हो तुम्हें मुबारक हो। तेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल करके अपने बाबों की तालीमात लोगों को सिखाई, तो देख लो पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत तुम लोगों ने कठी की थी ना, उससे ज्यादा मट्टी पलीद हुई है इन 12 सालों के अंदर। 12 सदियां नहीं अल्लाह ताला ने ली है मट्टी पलीद करने के लिए, 12 सालों के अंदर आज तुम्हारे बाबों की मीम्स बन रही है, कार्टून बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, वो बच्चे जिनके अब्बे ये वाकया सुन के सुभान अल्लाह कहा करते थे और बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं।